हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ क्लास में चैप्टर रहेगा। हमका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब है हमारा थर्ड चैप्टर एडिशन। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एडिशन किए तो हैं, लेकिन हम यहाँ पे फोर डिजिट एडिशन, फाइव डिजिट एडिशन और ये सब करेंगे। तो पहले है प्रीवियस लुकिंग, जो पहले आपने क्या किया था। द नंबर्स बीइंग एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स। तो एडेंड्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो कहलाते हैं एडेंड्स कहलाते हैं, और जो आंसर रहता है वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है। तो यहाँ पे जब नंबर्स है, फोर डिजिट नंबर है, उसको हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अब इनको ऐड करते समय क्या करेंगे, हम वंस को वंस से ऐड करेंगे, टेंस को टेंस से ऐड करेंगे, थर्ड को हंड्रेड्स को हंड्रेड से ऐड करेंगे और थाउजेंड्स को थाउजेंड से ऐड करेंगे। तो वंस को वंस ऐड किए तो देखो, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 4 + 2 6। इस तरह से जैसे जैसे आपके पास नंबर्स की डिजिट्स की पोजीशन है, उसी आप पोजीशंस को एज इट इज ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को सेम लिखोगे और फिर इनको एक एक करके ऐड कर लोगे। एडिशन हमेशा आपका राइट साइड से रहेगा। Hence, the total of the numbers is called the sum. दोनों एडेंट्स को जब टोटल करेंगे तो वो जो आएगा आंसर, उसको हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। ऐसे ही जीरो को चाहे आप कितने डिजिट का नंबर है, ये थ्री डिजिट नंबर है, 705 या 705, जीरो ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ क्या आएगा, वो का वही नंबर आ जाएगा, 705। ऐसे ही आप 1742 में जीरो ऐड करोगे तो भी जो आंसर है वो आपका वही रहेगा। अब व्हेन वी ऐड वन टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर। जैसे ही हम किसी नंबर में वन ऐड करते हैं तो हम उसके नेक्स्ट नंबर है जो से जिसे कि हम क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं, वो हमें फाइंड हो जाएगा। जैसे कि 75 + 1 = क्या आएगा, 75 के जस्ट बाद कौन है, 76। तो 1 ऐड करने से जस्ट नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी नंबर के पास 1 ऐड किया तो ये नेक्स्ट नंबर आपके पास आ गया। और 3 नंबर्स को हम एक साथ ऐड करेंगे और उनमें क्या रहे, वैल्यूज सेम रहे, मतलब पोजीशन है वो अलग है, ऑर्डर है वो अलग है। जैसे कि 4 को यहाँ पहले लिखा, यहाँ 4 का ऑर्डर है वो सेकंड नंबर पे है, यहाँ 6 है यहाँ पहले नंबर पे है, यहाँ 8 है थर्ड नंबर पे है, यहाँ में भी थर्ड नंबर पे है, लेकिन हमने 4 और 6 का ऑर्डर है वो चेंज कर दिया, लेकिन आंसर है वो आपका सेम ही रहेगा। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर्स है उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आपका आंसर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो कि 2435 और यहाँ 3475, इसके अंदर ऐड किया आपने दोनों को तो इक्वल टू ये आना चाहिए, 3475 प्लस। तो यहाँ क्या है, ये है और ये इक्वल टू की तरफ ये है, कौन ये नंबर नहीं है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये यहाँ पे इसके अंदर क्या ऐड करें कि इसके अंदर जो ऐड करने से वो मिले, तो इसके अंदर ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये, मतलब ऑर्डर में हमें लिखना है, यहाँ ऑर्डर ये था, इसका ऑर्डर यहाँ आ जाएगा और ये वाला ऑर्डर यहाँ रह जाएगा। मतलब सेम डिजिट्स के अंदर ही हम, जैसे कि 6 + 2 को 8 करना है तो 2 + वापस 6 करेंगे तो 8, 5 + 3 भी 8 होता है, लेकिन वहाँ डिजिट्स क्या रह जाएंगे, चेंज हो जाएंगे आपके। हमें डिजिट्स अगर सेम रखने हैं और इक्वल रखना है तो हमारा क्या रहेगा, नंबर वही रहेंगे, ऑर्डर बदल सकता है। इसी तरह से 5801 के अंदर क्या ऐड करें कि वापस 5801 ही आ जाए, तो वो कौन है, ज़ीरो। ज़ीरो को ऐड करने से नंबर की फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यहाँ पे भी 6735 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 6735। अब यहाँ आपको टेंस और हंड्रेड्स ऐड करने हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में किया था। ऐड द फॉलोइंग, 39 में 10 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, टेंस प्लेस के नंबर को हम बढ़ा देंगे। वंस में यहाँ 9 है यहाँ 0 है, तो वंस में तो 9 ही रहेगा, टेंस में यहाँ 3 था यहाँ 1 ऐड और हो गया तो 3 + 1 4।
यहाँ देखो 100 में ऐड करते समय 100 ऐड करेंगे तो वंस और टेंस की वैल्यू सेम ही रहेगी 85। 100 में 1 है और एक 100 और ला रहे, तो 1 और 1 200 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 422 में 500 ऐड कर रहे हैं, तो 100 प्लेस में ऐड हो रहा है, वंस और टेंस में 00 ऐड हो रहे हैं, तो वंस और टेंस चेंज नहीं होगा, 22 रहेगा। और 100 प्लेस में कौन है, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो 4 प्लस 5 9। ये एडिशन है आपके, ये प्रीवियस क्लासेस के हैं जो आपने कर रखे हैं। यहाँ एडिशन करने हैं आपको, 3 डिजिट्स के एडिशंस हैं, इनको आपको वंस टेंस और हंड्रेड्स में दिया हुआ है, कैरी है कुछ में और कुछ में कैरी नहीं है। ये 5 डिजिट नंबर का एडिशन है, तो वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स और 10,000 आ जाते हैं इसमें। इस तरह से पहले वंस को ऐड करेंगे, जो भी अगर आए आंसर या कैरी वाला आए तो कैरी नेक्स्ट टेंस पे चला जाएगा, फिर टेंस को ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट आंसर आए तो ठीक है, डबल डिजिट आए तो 1 डिजिट रखेंगे और सेकंड को हम कैरी कर देंगे, फिर ऐड किया, फिर कैरी, फिर ऐड किया, फिर कैरी, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो टोटली हम लिख देंगे। कैरी जब भी करना है जब 2 डिजिट नंबर आ जाए तो हमें उसको एक को कैरी कर देना है, वंस को रखना है और टेंस वाले को कैरी करना है नेक्स्ट पे। तो ये यहाँ पे आपके पास 5 डिजिट नंबर्स के एडिशंस हैं, उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो ये 3.2 एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज, ये यहाँ तक आपको 3.3 तक आपको ये सब कंप्लीट करना है। जस्ट उसके नेक्स्ट अगर आपसे हो तो ये भी क्या है, 5 डिजिट के अंदर 4 डिजिट का एडिशन है, 6 डिजिट है, कुछ कुछ 4 डिजिट है, कुछ 5 डिजिट है, इनके अंदर आपको ऐड करना है। तो ये एडिशन नॉर्मली सब सेम है, ऑर्डर है और जो प्लेस वैल्यूज है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मैं यहाँ 5 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, एक 3 5 4 2 8, इसके अंदर मैं 4 डिजिट ऐड कर रहा हूँ, नंबर कौन सा 3 8 9 6, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। तो लिखते समय हम क्या करेंगे, 3 5 4 2 8 ऐसे लिखेंगे, और अब इसको 3 8 9 6 को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके वंस प्लेस में ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स और ये 10,000। तो यहाँ वंस कौन है, 6, तो 6 को इसके वंस के नीचे लिखेंगे, 9 टेंस है तो इसके टेंस के नीचे, 8 हंड्रेड्स में है और 3,000 में है। तो इस तरह से आप राइट साइड से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ 10,000 में कोई नहीं है तो 0। बस ये जब डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स के नंबर हों तो उसमें लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर को आपको राइट साइड से वंस टेंस और ये लिखते हुए स्टार्ट करना है। तो ये पूरा चैप्टर है आपका एडिशन का है, ये 5 एक्सरसाइज तक आपके नॉर्मल एडिशंस हैं, डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कहीं 5 डिजिट हैं, कहीं 6 डिजिट हैं, कहीं 8 डिजिट हैं। तो ये 3.5 तक, 3.3 तक जहाँ तक आपसे हो पाए एडिशन ये कंप्लीट करना। तो थैंक यू।